हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और जो आप अपनी पढ़ाई आप सब ने कंटिन्यू कर रखी होगी। तो हम पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग में जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी वो हुई थी हमारी अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, यानी कि अंकगणितीय संक्रियाएं। तो हम उसी को चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं हमारे, और जो उसके बचे हुए क्वेश्चन थे वो करते हैं। तो ये रहा आप सबके लिए फर्स्ट क्वेश्चन, आपके लिए स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण गणितीय रूप से संतुलित हो जाएगा। मतलब अभी कि जो ये क्वेश्चन दे रखा है ना, ये प्रॉपर सही नहीं है। अब हमें इसमें जो साइंस दे रखे हैं उनको चेंज करना है और इस क्वेश्चन को सही करना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 69 माइनस 23 प्लस 15 डिवाइड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 12, और इसके इक्वल में क्या दिया है हमें, माइनस 114। तो अब हम इसमें लगाते हैं हमारे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर हम प्लस और डिवाइड को चेंज करते हैं, तो हम इसको प्लस और डिवाइड को अगर चेंज करते हैं तो हम 15 को अगर 23 से डिवाइड करेंगे, और साथ में मल्टीप्लाई का भी कोई चिन्ह नहीं, और 23 15 से कम्प्लीटली डिवाइड हो नहीं पाएगा, तो हम इस ऑप्शन को कैंसिल कर देंगे। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं हम, माइनस और डिवाइड को। तो माइनस और डिवाइड को पुट करके देखो कि अगर हम डिवाइड को माइनस की जगह रखते हैं तो क्या 69 23 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, तो हम इस क्वेश्चन इस ऑप्शन को जो है चेक कर सकते हैं। तो हम करते हैं यहाँ पे 69 डिवाइड बाई 23 प्लस 15 डिवाइड की जगह माइनस 11 इंटू 12। तो 69 को डिवाइड करेंगे 23 से तो आ जाएगा हमारा 3 प्लस 15 माइनस 12 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 132। तो ये हो जाएंगे हमारे 18 यानी 18, और माइनस का 132 132। और जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 12 में से 8 माइनस करेंगे हम तो 4, इधर यहाँ रिमेनिंग में 2 है, 2 माइनस 1 1, और ये हमारा रिमेनिंग 1, तो आ गया हमारा माइनस का 114 जो कि हमारा यहाँ पे दे रखा है। तो हम इसमें कौन सा ऑप्शन पुट करेंगे, ऑप्शन बी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। यदि 4 और 7 के स्थान पर परस्पर बदल दिए जाएं, और साथ ही मल्टीप्लाई और डिवाइड के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं, तो दिए गए व्यंजक का मान कितना होगा। इसको करते हैं हम, क्या बोला इसने कि इक्वेशन दी हुई हमें 63 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 4 प्लस 18 और डिवाइड बाई 7। ये तो हमें इसने इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन में है। जो अब इसने क्या बोला है कि 4 और 7 यानी 4 और 7 के स्थान आपस में बदलने हैं, तो ठीक है। और साथ में क्या दिया है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड है, इनके भी आपस में बदलने हैं प्लेस। तो यहां तो मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड 3 माइनस 4 की जगह 7 प्लस 18 और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और 7 की जगह 4 रख देंगे हम। तो इसको सॉल्व करो, जब 63 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 21 माइनस 7 प्लस 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। 72 और 21 हमारा आ जाएगा 2 और 1 3, 7 और 2 9, और जब 9 में से हम माइनस 7 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 86। इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। दिए गए समीकरण में किन दो संख्याओं के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। इक्वेशन दी हुई है हमें, अब इसमें हमें ऑप्शन से पुट करेंगे कि कौन से स्थान कौन से नंबर बदलने पर आ जाएगा। तो हमें क्या दिया हुआ है, 9 प्लस 7 माइनस 6
डिवाइड बाई 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू 31। ठीक है दोस्तों, ये दी हुई है। मैं अब हम इसमें आप लोगों को ऑप्शन पुट करने से पहले थोड़ा बहुत सोचना है कि अगर हम 6 और 7 को रखते हैं तो 6 और 7 को अगर हम चेंज करते हैं तो क्या 7 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनटू में मल्टीप्लाई में कोई ऐसा नंबर भी नहीं जिससे 3 डिवाइड हो जाए, तो हम ये वाला ऑप्शन नहीं ले सकते। ऐसे हम अगर 9 और 7 को करते हैं तो 7 प्लस 9 करो या 9 प्लस 7 करो, कोई अंतर आएगा दोनों में? इसका और इसका सम भी 16 होगा और इसका इसका सम भी 16 होगा, तो क्या इन दोनों में कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा, तो हम ये वाला भी नहीं ले सकते। बचा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 8 और 7। हाँ, इन दोनों में जरूर डिफरेंस आएगा तो हम इसको चेक करके रख सकते हैं। तो 9 प्लस 7 की जगह 8 माइनस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 9 और 8 17 माइनस, और हमारा है माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाई 7 70। माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो हमारा प्लस हो जाएगा, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, और 17 और 14 को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 31, और हमें लाना भी क्या था 31। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप सबका ऑप्शन नंबर सी। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि विकल्पों में दिए गए किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्न समीकरण की यथार्थता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन है हमारा कि 3 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 3 माइनस 18 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 12, हमें ये लेके आना है। ठीक है, अब उसने बोला है कि विकल्पों में दिए गए किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्न समीकरण की यथार्थता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका कहने का मतलब ये कि किन दो चिन्हों को हम आपस में बदलते हैं कि समीकरण जो है हमारा इक्वेशन है वो चेंज ना हो। ठीक है, क्योंकि ये जो 12 है ये अभी सही इक्वेशन दी होगी, क्योंकि 3 इंटू 5 करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 15 प्लस 3 18 माइनस 18 को डिवाइड करेंगे हम 3 से 6 तो 18 माइनस 6 इक्वल टू 12, मतलब यानी कि ये समीकरण जो है इक्वेशन हमारी जो है एकदम राइट दी हुई है, एक्यूरेट है ये। तो अब हम इसमें ऐसे दो साइन से जो पुट करके देखते हैं जिससे कि ये चेंज ना हो। अब हम पहला वाला उठाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन उठाते हैं कि मल्टीप्लाई और माइनस। अगर हम मल्टीप्लाई और माइनस को चेंज करते हैं तो 3 इंटू मल्टीप्लाई 3 इंटू 18 डिवाइड बाई 6, लेकिन 3 इंटू 6 भी हमारा बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। 3 इंटू 6 18 प्लस 3 21 माइनस 5 16, ये नहीं आएगा। अब हम तो ये वाला ऑप्शन हमारा जो है कैंसिल हो जाएगा। हम दूसरा रख के देखते हैं कि डिवाइड और मल्टीप्लाई। हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 18 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 3 54, तो ये तो और ज़्यादा बड़ा नंबर बन जाएगा, मैं तो ओनली सिर्फ 12 लेके आना है, तो हम इसको भी पुट नहीं करेंगे। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पे, मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई और प्लस। तो अगर हम यहाँ प्लस रख दें और यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इधर देखो कि यहाँ 3 5 और 3 है, तो इन दोनों साइंस को अगर आपस में चेंज कर दोगे ना आप, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा वो भी देखते हैं। तो 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 18 डिवाइड बाई 3, तो 3 प्लस 15 माइनस 6 तो 18 माइनस 6 इक्वल टू 12। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि चिन्हों माइनस और मल्टीप्लाई तथा संख्याओं 5 और 14 को परस्पर बदल दिया जाए तो 5 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 14 का मान क्या होगा? इक्वेशन दी हुई है हमें कि 5 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 14, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि माइनस और मल्टीप्लाई और 5 और 14 को बदलना है, तो 5 की जगह तो 14 आ जाएगा, प्लस 4 डिवाइड बाई 2 माइनस की जगह पे मल्टीप्लाई 18 और मल्टीप्लाई की जगह माइनस 5, ठीक है, 14 की जगह पे। अब इसको करते हैं हम, तो 2 को 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 8 यानी कि 16 प्लस 14 ये हमारा ऐसे कैसे चल रहा है और माइनस ये 5 में 7 में चल रहा है, तो 14 और 16 30 माइनस 5 इक्वल टू 25, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 25। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जिन्हें निम्न समीकरण में y के चिन्ह पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। अब हमें ये साइन दिए हुए, ऑप्शन दिए हुए, मतलब जहां पे हमें ये साइन पुट करना है ऑप्शन, वहां पे y y y दिए हुए हैं, तो हम इसको करते हैं। तो ये हमारा 32 8 16 8 और 8। अब हम इसे मैं जो है वो हम सारे रख के देखने पड़े, तो हम ऑप्शन फर्स्ट उठाते हैं, तो यहाँ हम डिवाइड पुट कर देंगे और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई पुट कर देंगे और इक्वल में और माइनस, तो इसको एक ऊपर ही मतलब थोड़ा ऊपर भी देखो इसमें कि 32 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 4 इंटू 16 64 इक्वल टू 8 माइनस 8 0, तो हम ये वाला नहीं रख सकते, ठीक है। ठीक है, इसको हम नहीं रख सकते, हम सेकंड वाला चेक करते हैं मल्टीप्लाई। लेकिन अगर हम यह फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे फिर बाद में हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और मल्टी इक्वल टू में हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको भी कैंसिल कर देंगे। अगला ऑप्शन देखते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड इक्वल टू माइनस माइनस। अब आप एक बात देखो लास्ट में कि जब इक्वल टू के बाद माइनस आ रहा है और 8 माइनस 8 हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, लेकिन जो हमारी फर्स्ट वाली है उसमें जीरो हमारा बनेगा नहीं, तो हम ये वाला कैंसिल करते हैं। अब हम लेते हैं हमारे पास ऑप्शन नंबर बचा डी, अब इसको उठाते हैं, तो 32 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू 8 और मल्टीप्लाई बाई 8। तो अगर हम 32 को 8 से डिवाइड, अरे सॉरी सॉरी 16 है यहाँ पे हमारा, तो 16 है फिर भी हम फर्स्ट में, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर हम रख के देख लेते हैं कि 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 16 64 माइनस इक्वल टू में माइनस है तो ये जीरो बन जाएगा, ये तब भी कैंसिल हो जाएगा। सेकंड वाला कि 32 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू 16 माइनस 8 डिवाइड बाई 8, तो 16 माइनस 115 और 32 मल्टीप्लाई बाई 8 ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। थर्ड वाला हम उठाते हैं 32 डिवाइड बाई 8
32 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 16, लेकिन इक्वल टू के बाद में माइनस है, तो 8 माइनस 8 जीरो जाएगा, उधर हमारा जीरो बनेगा नहीं, तब भी हमारे पास लास्ट ऑप्शन डी बचता है। तो अब हम इसको करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 16 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 8 यानी 64, और 4 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 बराबर इक्वल टू 64, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि 65.5 इक्वल टू 190, अब इन दोनों के बीच में से साइन पुट करने की, ये जो है हमारा इसके इन सबको गुणा जोड़ भाग करके कुछ भी करके 190 लेके आना है। अब आप ऊपर ही देखो थोड़ा थोड़ा ऐसे कि अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई पुट कर देते हैं और यहाँ पे हम प्लस ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, हो सकता है क्या, हो ही जाएगा, क्योंकि 5 × 5 मल्टीप्लाई बाई 25 125 प्लस 65 क्या आ जाएगा 190। तो हम यही रख के देख लेते हैं, हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ना ये उठा के देख लेते हैं, 65 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 25 तो क्या हो जाएगा हमारा 65 प्लस 125 जो कि क्या हो जाएगा हमारा 190, और हमें 190 ही चाहिए था इसमें। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है ना आप लोगों के, कमेंट में आना करके बताते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि 25, 5, 35, 20, 20 में जिनको गणितीय चिन्ह से बदलें और उस विकल्प को प्राप्त करें जिससे समीकरण बराबर हो जाए, तो हम इसमें पुट करके देखते हैं हमारे ऑप्शन जो है, क्या दिया है हमारा 25, 5, 35, 20 और 2। अब अगर हम इसमें फर्स्ट रख के देखते हैं यानी कि इक्वल टू है फर्स्ट में, तो यानी कि 25 लेके आना है, तो अब 35 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 4 से 35 डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि इक्वेशन ही बनेगी, फर्स्ट को रखते हैं तो हम कि 35 डिवाइड बाई 20 इक्वल टू 5 तो क्या ये इससे कम्प्लीटली डिवाइड हो रही है, क्योंकि 2 तो हमारा प्लस में, तो कि इससे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रही, तो हम फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं लेंगे, ठीक है। और जब आप एग्जाम में करोगे ना तो आपको 30 से 40 सेकंड में आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम सेकंड वाला लेते हैं कि 25 प्लस 5 इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 2, अगर हम 20 को 2 से डिवाइड करते हैं और इंटू 35 करते हैं तो हमारा तो थर्ट, और बराबर में हमारे पास ये है इक्वल में कि 25 प्लस 5 तो ये तो हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, 350 आ जाएगा, तो हम इसको भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब हम उठाएंगे तीसरा ऑप्शन उठाएंगे हमारा थर्ड वाला जो है, तो 25 डिवाइड बाई 5 प्लस 35 इक्वल टू 2, तो मैं भी शायद ये हो सकता है। अब हम इसको पुट करके देखते हैं कि, तो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 प्लस 35 इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 14, 40 और 5 और 35 ऐड करेंगे तो 40 इक्वल टू 40, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। आगे चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आओ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन तो टिक कर दिया था ना मैंने, हाँ लास्ट वाले में ऑप्शन सी टिक कर दिया। अगला क्वेश्चन हमारा कि उपयुक्त के प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें, ठीक है, ये इक्वेशन दी हुई है हमें, क्या दिया हुआ है कि 29, 2, 13, 11 इक्वल टू 60। अब हम इसमें फर्स्ट रखते हैं,
तो हम अगर फर्स्ट रखते हैं तो 29 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 13 प्लस 11, तो अगर हम इसको करते हैं तो 58 माइनस 2 प्लस माइनस 2 बच जाएगा यहाँ से हमारा, तो यह तो हमारा 56 आ जाएगा, मतलब ये हमारा नहीं होगा। तो ये वाला हमारा जो ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला रख के देखते हैं हम कि, लेकिन सेकंड वाला रखने से पहले हम 2 डिवाइड बाय 13 करेंगे तो ये पॉसिबल है नहीं, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं हम, 29 प्लस 2 माइनस 13 डिवाइड बाय 11, 13 को 11 से डिवाइड करेंगे हम तो ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है। बचा हमारा लास्ट ऑप्शन, इसको पुट करके देख लेते हैं, तो 29 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 13 माइनस 11, ठीक है, तो 58 प्लस का 2 बराबर 16, क्योंकि 13 में से हम 11 डिवाइड करेंगे तो 2 बच जाएगा, और 29 मल्टीप्लाई बाई 2 58, और जब 58 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो 60 आ जाएगा हमारा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। इसमें हमें इक्वेशन दी हुई है, इसमें भी हमें साइन पुट करना है। क्या दिया हुआ है हमें, 72 8 5 4 = 49, ठीक है। अब हम इसमें पुट करते हैं, फर्स्ट वाला रखते हैं, 72 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा हमारा, 576 के लगभग पहुंच जाएगा, तो ये तो हम वैसे ही कैंसिल कर देंगे। सेकंड वाला हम उठाते हैं, 8 डिवाइड बाई 5, साइन कोई मल्टीप्लाई का साइन नियर, 8 से 5 कम्प्लीट, 5 से 8 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो नहीं पाएगा, तो हम इसको भी कैंसिल कर देते हैं। हम उठाते हैं ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में लास्ट वाला देखो आपकी 5 डिवाइड बाई 4, मल्टीप्लाई नहीं है तो 5 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो नहीं पाएगा, तो हम इसको भी कैंसिल कर देंगे। लास्ट ऑप्शन देखते हैं हम, और जब हम तीनों ही एलिमिनेट कर चुके हैं तो होगा तो इसका लास्ट ऑप्शन है, पर हम देख लेते हैं कि 8 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 4, तो अगर हम 72 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 4, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 9 यानी कि 45 प्लस 4 इक्वल टू 49, इन दोनों का सम, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 49, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो ओके दोस्तों, आज तक के जो थे क्वेश्चन आपके यहीं तक थे, और इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया अर्थमेटिकल ऑपरेशंस का, क्योंकि इसमें इस टाइप के सवाल बनते हैं। अब हम अगली वीडियो में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके दोस्तों।